Hello everyone, welcome to Competition Community. My name is Deepika Patel and I am here with the second lecture of the Basic English Booster Dose series. This series we have started to study about the basic concepts of English grammar. In this whole series, we are going to learn all each and every topic of English grammar thoroughly. Okay, in the first lecture, we had discussed about the uh, basic definition and examples of all the parts of speech at a glance in today's lecture we are going to deal with the first part of speech that is noun okay so let's start this lecture the today's topic is noun what is noun we, if we talk about the definition of a noun what is noun right so how can we define a noun? Noun is a naming word, right? We have discussed it in the last lecture also that nouns are a part of speech that comprise words that are used to name people, places, animals, objects, and ideas. Almost every sentence will definitely have a noun and they perform different roles in a sentence. Nouns can act as the subject, as indirect object, a direct object, सॉब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इवन नाउन कैन ऑल्सो फंक्शन एज एब्जेक्टिव एंड वर्ब्स ठीक है देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं हमने लास्ट क्लास में भी यही चीज़ डिस्कस की थी कि जो नाउन है वो नेमिंग वर्ड्स हैं वो किसी भी वस्तु किसी भी व्यक्ति स्थान इन सभी के नाम को डिपेक्ट करता है साथ ही साथ में ये क्या काम करता है ये किसी सब्जेक्ट का काम करता है किसी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है किसी ऑब्जेक्ट का, का काम करता है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड किसी भी चीज़ का नाम लिखना हो ठीक है नामकरण संस्कार करना हो नाउन के पास चले जाइए सबका नाम लिख करके दे देगा ठीक है एग्जाम्पल्स के बारे में भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वॉट आर दी

हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन की ठीक है बेसिकली देर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन लेट्स लर्न अबाउट ईच ऑफ देम सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर नाउन की ठीक है प्रॉपर नाउन क्या होते हैं Proper noun are nouns that are used to name a person, place or thing specifically are called as a proper noun. ठीक है अगर हम proper noun को देखें तो हिंदी में इन्हें हम इन्हें हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में हम इन्हें क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं जब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हम बात करें व्यक्ति विशेष का नाम हम बताएं उसके बारे में नहीं कहना चाहिए हमें कहना चाहिए उसका नाम ठीक है नाउन इज नेमिंग वर्ड तो व्यक्ति विशेष का नाम हो ठीक है जैसे अगर मैंने कह दिया कंट्री तो कंट्री स्पेशल कंट्री इंडिया इंडिया इज अ प्रॉपर नाउ ठीक है अगर हमने किसी जैसे सब्जेक्ट बोले तो सब्जेक्ट मीन्स कोई सा भी सब्जेक्ट बट अगर हमने विशेष कर हमने कह दिया इंग्लिश तो ये क्या हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी पर्टिकुलर एक स्पेशल पर्सन का एक स्पेशल प्लेस का एक स्पेशल थिंग का नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है ठीक है नाउ नेक्स्ट बात करेंगे कॉमन नाउन की कॉमन नाउन क्या होते हैं कॉमन नाउन आर दो नाउन दैट रेफर टू अ जेनेरिक आइटम ग्रुप और प्लेस ठीक है अगर हम हिंदी में कहें तो हिंदी में इन्हें हम कहते हैं हिंदी में इन्हें हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या कहते हैं जातिवाचक संज्ञा किसी जाति का बोध कराते हैं किसी एक ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ आइटम्स जो हैं उन ग्रुप के किसी भी एक इंडिविजुअल को अगर हम एक कॉमन नाम से बुलाएं तो वो हो जाता है जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाम जैसे कि जैसे कि बॉय हो गया ठीक है जैसे कि विलेज हो गया विलेज जैसे कि सिटी ठीक है इट कैन बी एनी सिटी अगर मैं सिटी कह रही हूं तो सिटी बोलते के साथ में किसी एक पर्टिकुलर सिटी की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसी भी सिटी सिटी के एक अपने क्या बोलना चाहिए स्ट्रक्चर होता है फीचर्स होते हैं तो जो भी प्लेस उन फीचर्स को फॉलो करेगा वो सिटी कहलाएगा ठीक है तो वो है एक कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा ठीक है अगर हम पर्टिकुलरली किसी एक सिटी की बात करें फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट रायपुर इफ यू टॉक अबाउट बिलासपुर तो वो क्या हो गया वो किसी एक सिटी का एक पर्टिकुलर नाम हो गया तो जब किसी एक सिटी का एक पर्टिकुलर या स्पेशल नाम हो जाता है तो वो क्या बन जाता है प्रॉपर नाउन लेकिन जब हम लोग कॉमनली उसकी बात करते हैं तो वो क्या बन जाएगा कॉमन नाउन ठीक है ठीक आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की तो कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं कलेक्टिव नाउन इज़ इज़ नेमिंग वर्ड दैट टू डिनोट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एनिमल्स और पीपल एक हिंदी में इन्हें हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा हिंदी में इन्हें हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा यानी कि ये क्या होते हैं किसी भी ग्रुप या समूह को डिनोट करते हैं किसी भी ग्रुप या समूह को डिनोट करते हैं जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लें अपन क्लास अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स एक सिंगल स्टूडेंट होगा तो वो स्टूडेंट कॉमन नाउन कहलाएगा लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो बन जाता है एक क्लास क्लास ऑफ स्टूडेंट्स जैसे एक सिंगल शिप है तो वो शिप कहलाती है लेकिन जब शिप का पूरा का पूरा ग्रुप हो गया तो उस ग्रुप को एक सिंगल नाम दे देते हैं फ्लीट फ्लीट ऑफ शिप जैसे एक सिंगल सोल्जर या सैनिक ठीक है सोल्जर या सैनिक सिंगल होता है सोल्जर होता है लेकिन जब हम पूरे के पूरे ग्रुप की बात करें तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को हम कह देते हैं ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को हम क्या कह देते हैं ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को हम कह देते हैं आर्मी एंड आर्मी ऑफ सोल्जर्स तो आर्मी क्या हो गया कलेक्टिव नाउ और सोल्जर क्या हो जाएगा सोल्जर क्या हो जाएगा सोल्जर हो जाएगा कॉमन नाउ क्योंकि किसी भी सैनिक को हम सैनिक कहते हैं या किसी भी सोल्जर को हम सोल्जर कहते हैं जब हम उसमें किसी एक का पर्टिकुलर नाम दे दें मेजर रंजीत सिंह मेजर कर्नल कर्नल गुरप्रीत कुमार तो इस कंडीशन में फिर हमने उनको एक नाम दिया वो बनेगा प्रॉपर नाउ ठीक है सोल्जर बोलने से हम किसी भी सोल्जर को बोल सकते हैं इसलिए वो हो गया कॉमन नाउ लेकिन जब हमने पूरे के पूरे ग्रुप की बात करी तो वो बन गया एक आर्मी आर्मी इज अ कलेक्टिव नाम कलेक्टिव नाउन या समूह वाचक क्या हुआ पूरे के पूरे ग्रुप को दिया गया एक सिंगल नाम कलेक्टिव नाम कहलाता है ठीक है आगे बढ़ेंगे ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे मटेरियल नाउन की मटेरियल नाउन क्या होते हैं अ मटेरियल नाउन रिफर्स टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर मटेरियल एंड कैन बी परसीव्ड बाय ह्यूमन सेंसेस इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं हिंदी में इन्हें ही हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा क्या कहेंगे पदार्थवाचक संज्ञा या इसी को एक और नाम से जानते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा हिंदी में इन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा किन्हें कहते हैं हम इनमें उन सभी चीज़ों को रेफर करते हैं जिनसे कुछ और चीज़ें हम बना सकें तो कुल मिला करके अगर हम यहाँ समझना चाहें तो वी कैन अंडरस्टैंड दैम एज रॉ मटीरियल्स तो जब भी किसी चीज़ के रॉ मटीरियल्स की बात आती है जिनसे हम कुछ और चीज़ें बना रहे होते हैं तो उन सभी को हम किस में रख देते हैं मटीरियल नाउन में ठीक है तो इसमें जितने मेटल्स हो गए गोल्ड कॉपर सिल्वर आयरन ये सारे के सारे तो आते ही हैं मटीरियल में अलोंग दिस सर्टेन लाइक टी कॉफी शुगर ये सारे भी मटीरियल नाउन में ही काउंट किए जाते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं करेक्ट ओके नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन Abstract now, इन्हें हिंदी ग्रामर में हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा इन्हें क्या कहते हैं भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा भाववाचक मतलब ऐसे संज्ञा या जो किसी भावना का नाम बताते हो जो किसी फीलिंग्स या इमोशंस के नाम को डिपिक करते हो किसी आइडिया के नाम को डिपिक करते हो किसी कंडीशन को दिखाते हो ये सारे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन ओके okay, अच्छा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते जिनको हम छू नहीं सकते जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं वो सारे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं नेम्स देखो एन एनी एंटिटी दैट कैन नॉट बी परसिव बाय द फाइव सेंसेस आर कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस वी कैन फील द हैप्पीनेस वी कैन नॉट सी एनी हैप्पीनेस उसके बाद में हम कहते हैं ऑनेस्टी ईमानदारी हम महसूस कर सकते हैं ईमानदारी को हम ईमानदारी को देख नहीं सकते वी के नॉट मेजर इट ऑल्सो तो ये सारे हो गए भाववाचक संज्ञा ठीक है तो ये तो अभी हम लोगों ने देखा कि इनके सारे टाइप्स क्या क्या हैं कितने टाइप्स के होते हैं इनके अलावा ये तो हम लोगों ने जो पांच टाइप्स बनाए इनके अलावा नाउन को हम और तरीके से क्लासीफाई करते हैं जिसको हम कहते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल मतलब वो सारी चीज़ें जिन्हें हम देख सकें छू सकें जिन्हें हम गिन सकें जिनके गणना की जा सके जिन्हें हम काउंट कर सके उन्हें हम कहते हैं काउंटेबल नाउंस एंड ऑल दोज नाउन्स दैट वी के नॉट काउंट जिन्हें हम देख नहीं सकते जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं जिन्हें हम काउंट uh, नहीं कर सकते उन्हें कह देते हैं अनकाउंटेबल नाउंस अपार्ट फ्रॉम दीज देर आर सर्टेन दीज आर अदर टाइप्स ऑफ नाउम ठीक है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट अब देखो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ एक एक्सरसाइज ठीक है एक छोटी सी एक्सरसाइज जो अभी हम लोगों ने पांचों टाइप्स पढ़े उससे रिलेटेड में कि हम पहचान सकते हैं या नहीं जैसे है फर्स्ट वर्ड क्लास तो बताइए क्लास कौन सा नाउन होगा अभी हम लोगों ने पढ़ा क्लास इज अ ग्रुप नेम ऑफ अ ग्रुप ठीक है नेम ऑफ अ ग्रुप कलेक्टिव नाउन देन चेस चेस क्या है चेस इज द नेम ऑफ वन सिंगल गेम वन पर्टिकुलर गेम तो गेम का नाम इसलिए प्रॉपर noun देन रिवर रिवर बोलते के साथ में हमें क्या समझ में आ रहा है रिवर बोलने से कोई सी भी हो सकती है इट कैन बी गंगा महानदी अरपा और सिंधु कावेरी एनी वन तो रिवर बोलते के साथ में हमारे पास में बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन या आंसर्स आ रहे हैं ठीक है तो देखो अगर आपको डिफरेंस समझने में समझना है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में तो ये आप समझिए आप इमेजिन करिए उसके रिलेशन में आंसर्स क्या हो सकते हैं या आप ये सोचिए कि जैसे आप इमेजिन करते, करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप चेस इमेजिन करते हैं ठीक है तो चेस इमेजिन करेंगे तो चेस के बारे में सुनते के साथ में आपको दिमाग में क्या आएगा आपको एक चक्कर बोर्ड जैसा आएगा काले और सफेद के साथ में और फिर आपको उसकी जो क्या बोलना चाहिए गोटियां जिसको मोहरे कहते हैं वो याद आएगा तो किसी एक चीज के बारे में आपको समझ में आया जैसे अगर आपने चेस किया तो चेस के साथ में आपको बैट और बॉल तो याद नहीं आएगा ठीक है तो जब भी आप किसी चीज को इमेजिन करें और आपको उसके रिलेशन में केवल एक पर्टिकुलर आंसर मिले तो वो होता है प्रॉपर नाउन ठीक है लेकिन जैसे मैंने रिवर बोला तो रिवर बोलते के साथ में जरूरी थोड़ी है कि आप केवल और केवल गंगा की बात कर रहे हैं रिवर में आप हो सकता है महानदी की बात कर लें आप हो सकता है कावेरी की बात करें आप हो सकता है गोदावरी को कह लें ठीक है तो एनी जब हम किसी एक टर्म के रेस्पेक्ट में एक से ज्यादा आंसर दे पाते हैं उससे मिलते जुलते तो उन्हें हम कह देते हैं ठीक है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है खूबसूरती तो हम इसे देख मतलब महसूस कर सकते हैं ठीक है इसे छू नहीं सकते मतलब डर डर इज अ नेम ऑफ फीलिंग एंड इमोशन एब नाउट देन फ्रेंड फ्रेंड नेम ऑफ वन पर्टिकुलर पर्सन जो कोई भी फ्रेंड हो सकता है कॉमन नेम है तो ये कॉमन नाउ

वुड 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 से हम बनाते हैं बाकी सारी चीजें तो वुड इज मटीरियल नाउ ठीक है कॉफी मटीरियल नाउ वुड ऑल्सो मटीरियल नाउ तो देखो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि हम कैसे वर्ड्स को देख के पहचान सकते हैं कि वो किस पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है ठीक है आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी आफ्टर द डेफिनेशन नाउ अब हम देखते हैं हमने डेफिनेशन वक्त में यहाँ पे पढ़ा था कि नाउन कैन ऑल्सो बी यूज एज एडजेक्टिव एंड वर्ड मतलब इंग्लिश ग्रामर की ब्यूटी देखिए आप एक वर्ड एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज हो सकता है अलग अलग फॉर्मेशन के साथ में वी कैन फॉर्म नाउन्स फ्रॉम डिफरेंट एड्जेक्टिव ठीक है जैसे यहाँ देखिए ये यंग यंग से बना है यूथ ठीक है यंग इज एन एडजेक्टिव इज अ क्वालिटी यूथ एनी वन हु पोजेसेस दैट क्वालिटी इज कॉल्ड एज यूथ ठीक है यंग से यूथ देन रिच अमीर रिचनेस अमीरी देन प्राइवेट प्राइवेट मीन्स निजी प्राइवेसी निजता निजता का अधिकार राइट टू तो प्राइवेसी आप पढ़ते दैट इज अ नेम नाउ ठीक है ऑनेस्ट ईमानदार व्यक्ति होता है ईमानदार उसकी भावना होती है ईमानदारी ट्रू सही कोई चीज सही है या गलत है क्यों क्योंकि सत्य है ट्रुथ सत्य ब्रेव, बहादुर उसकी क्वालिटी एंड नाम क्या है ब्रेवरी बहादुरी एबल एबल का मतलब होता है योग्य एबिलिटी योग्यता क्यूरियस उत्सुक क्यूरियोसिटी उत्सुकता डिफरेंट अलग डिफरेंस अंतर जस्ट न्यायपूर्ण जस्टिस न्याय रॉयल शाही इसको भी हिंदी में शाही ही कहते हैं बट नेम रॉयल्टी काइंड दयालु दयालुता काइंडनेस पेशेंट

आवश्यकता क्रूएल क्रूर क्रुएलिटी क्रूरता एक्सलेंट बहुत ज्यादा अच्छा जो हो जाता है और क्या है काबिल एक्सेलेंस बहुत ज्यादा अच्छे का नाम है उसका फीलिंग uh, है डेड मृत डेथ मृत्यु वाइज बुद्धिमान विजडम बुद्धिमता वीक weak, कमजोर वीकनेस कमजोरी कमजोरी तो देखो हम लोग ने कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं हम लोग हम लोग नाउन, uh, नाउन है नाउन से हम एड्जेक्टिव बना सकते हैं ठीक है ठीक नाउ नेक्स्ट हम वर्ब से भी नाउन्स बना सकते हैं ठीक है हम वर्ब से भी नाउंस बना सकते हैं एंड वाइस वर्सा सो लेट सी दिस देखो ये क्या है पे. पेमेंट मतलब पे करना है ना किसी चीज को पे करना पे क्या कर पे करते हैं पेमेंट ठीक है हम किसी दुकान पे जाते हैं बोलते हैं ना भैया है, कितना पेमेंट हुआ ठीक है पेमेंट क्या कितना हुआ तो फिर वो बोलते हैं अच्छा ओके मैं पे कर रही हूँ तो आप पे करने के लिए फोन पे गूगल पे कुछ भी यूज करते हैं पे इंश्योर इंश्योरेंस नो जानना नॉलेज ज्ञान ग्रो बढ़ना ग्रोथ बढ़त डिफेंड काम है डिफेंड करना ठीक है डिफेंस पूरा का पूरा सेक्शन ही बना हुआ है हमारा डिफेंस देन अराइव आना अराइवल आगमन डिपार्ट से बना है डिपार्चर प्रैक्टिस प्रैक्टिस अच्छा यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस में ठीक है बोलते तो वही है सेम चीज़ें हैं इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है यहाँ पे स्पेलिंग का अंतर है पी आर ए सी टी आई एस ई एंड पी आर ए सी टी आई सी ई तो ये याद रखिएगा जितने भी सी ई एंडिंग वर्ड्स हैं सी ई एंडिंग वर्ड्स जो होंगे वो नाउन होंगे एस ई पी आर ए सी टी आई एस ई ये वर्ब है प्रैक्टिस करना एक काम है और प्रैक्टिस क्या किया आपने दैट इज द नेम द प्रैक्टिस ठीक है ऐसे ही एक आता है एडवाइस ए डी वी आई एस ई ए डी वी आई एस ई एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना ठीक है और सलाह जो दिया आपने क्या सलाह दिया तो वो हो जाएगा एडवाइस ठीक है अडवाइस ई वाला जो होगा वो नाउन फॉर्म हो होगा जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर के पास गई मैं डॉक्टर ने मुझे दिया एक दवाई और उसको बोला कि इसको आपको दिन में दो बार लेना है तो मैं क्या बोलूंगी द डॉक्टर अडवाइज मी the uh, to take the medicine two times a day, his advice his advice was beneficial for me. उनकी जो सलाह थी वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा काम आई ठीक है तो इस तरीके से एस ई वाले जितने भी वर्ड हैं वो वर्ब हैं और सीई वाला जो है वो नाउन है हम कई बार स्पेलिंग मिस्टेक्स में ये वाली चीज कर जाते हैं तो इसका ध्यान रखेंगे देन लूज लूज से लॉस इंस्पायर से Inspiration. Then obey. Sebana hai obedience. Okay, obey is a verb. Obedience is a noun. Okay, see the beauty of English grammar. We have one single word. It can be used in different different forms for different parts of speech. See here, obey is a verb. Obedience is a noun. Then there is a word obedient. Obedient students. Obedient students. This is adjective.

Discover, discovery, exist, existence, choose, choice, एग्जिस्ट obligation, क्रिएट क्रिएशन स्पीक स्पीच ठीक है तो ये सारे वर्ड जो हम लोग एग्जांपल्स देख रहे हैं ये है कि कैसे वर्ब से हम नाउन बना रहे हैं ठीक है तो इसको और पिछली वाली स्लाइड जिसमें हम एडजेक्टिव से बना रहे हैं नाउन और जिसमें हम वर्ब से बना रहे हैं नाउन इन दोनों स्लाइड्स के बाद में एक कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं कंक्लूजन क्या हम इन वर्ड्स को अगर हम देखें तो एक छोटी सी ट्रिक्स की तरह पे हम बना सकते हैं देखो जितने भी वर्ड्स ठीक है जितने भी वर्ड्स देखो एम जिनके एंड में एम ई एन टी आ रहा है मैनेज Manage, मैनेजमेंट आर्ग्यू आर्ग्यूमेंट एंगेज एंगेजमेंट डेवलप डेवलपमेंट तो वर्ड्स दैट एंड एम एन टी सारे के सारे क्या है नाउन है ठीक है एंड में एम ई एन टी आता है वो सारे नाउन है ठीक है अब देखो वर्ड्स जिनके एंड में देखो यहाँ पे से भी पेमेंट हो गया ठीक है वर्ड्स जिनके एंड में सीई -E आ रहा है सीई -E देखो यहाँ पे डिफेंस डिफेंस प्रैक्टिस उसके बाद में देखो परफॉर्मेंस मेंटेनेंस ओबीडियंस एग्जिस्टेंस चॉइस ठीक है वर्ड्स जिनके एंड में सी ई -E लगा हुआ मिल रहा है एप्सेंट से बनेगा एपसेंस तो ये सारे के सारे नाउन होते हैं वर्ड्स जिनके एंड में टी आई ओ एन लगा हो ठीक है ऑब्लिगेशन क्रिएशन इंस्परेशन देखो Tion, Tion, Tion. Words, जिनके एंड में हुड लगा हुआ होता है चाइल्ड हुड मदरहुड फादरहुड ब्रदरहुड एचओ डी एच डब्ल्यू डी है ना जिनके एंड में शिप लगा होता है फ्रेंडशिप ठीक है मैनेजमेंटशिप फ्लैगशिप ठीक है तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं ये सारे वर्ड्स नाउन हैं तो इस तरीके से हम कुछ ट्रिक्स बना सकते हैं ये कुछ ऐसे सफिक्स हैं जो किसी भी वर्ड के एंड में लगेंगे तो समझ जाएंगे तुरंत तुरंत क्या है वो नाउन है और भी आप बना सकते हो और भी आप देख सकते हो वर्ड्स जिनके एंड में टीएच लगा है स्ट्रेंथ लेंथ ब्रेथ विथ डेप्थ ठीक है डीप से बनेगा डेप्थ स्ट्रॉन्ग से बनेगा स्ट्रेंथ ब्रॉड से बनेगा ब्रेथ वाइड से बनेगा विथ ठीक है तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं ये सारे के सारे वर्ड्स नाउन हैं ठीक है तो हम एक जनरल कंसेप्ट डिज़ाइन कर सकते हैं कि जित भी वर्ड्स के एंड में कुछ ऐसे सफ़िक्सेस हैं और भी आप सफ़िक्सेस बना सक देख सकते हैं आप सारे के सारे वर्ड्स को अगर आप देखोगे देन यू विल बी एबल टू कंक्लूड दैट कुछ ऐसे सफिक्स को हम याद कर सकते हैं जिस भी वर्ड के एंड में ये सफिक्स लगा दिखा तुरंत समझ जाएंगे हम ये नाउन है ठीक है हमें सेंटेंसेस में वर्ड्स को देख करके ये पहचानना आना चाहिए कि वो जो वर्ड है वो किस पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है एक बार अगर हम ये सीख गए तो उसके बाद में क्वेश्चन को समझना और उसके बाद में उसके रिस्पेक्ट में आंसर करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा देखिए आप यहाँ पे ही देख सकते हो ओबे ओबीडियंट ओबीडियंस ओबीडियंटली एक ही वर्ड से मिलकर बने हैं लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह यूज होंगे तो अगर हम यही नहीं पहचान पाए कि ओबीडियंट एडजेक्टिव है और ओबीडियंस नाउन है तो उस कंडीशन में फिर हम रूल्स कैसे लगाएंगे फिर हमारे लिए गड़बड़ होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे तो जब आप वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू पहचानते है हैं तब आपको सेंटेंसेस को समझना और उनके रिलेशन में क्वेश्चन का आंसर करना ईजी हो जाता है ठीक है तो देखो ये सारी चीजों से हम लोग देख रहे हैं कि कैसे वर्ड्स नाउन बनते हैं आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे नाउन में नंबर की इसी को हिंदी में हम कहते हैं वचन ठीक है हिंदी में हम क्या कह देते हैं वचन संज्ञा के वचन की अगर हम बात करें सो देर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर कौन कौन से एक होता है सिंगुलर एक वचन दूसरा होता है प्लूरल बहुवचन ठीक है हिंदी ग्रामर में भी सेम चीजें पढ़ते हैं एक वचन और बहुवचन सिंगुलर मीन्स वन एंड प्लूरल मीन्स मेनी ठीक है तो ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि सिंगुलर से प्लूरल हम कैसे करते हैं जनरली वट वी डू इज हम क्या करते हैं हम किसी भी नाउन में हम किसी भी नाउन के साथ में एस और ई एस जोड़ करके एस या ई एस जोड़ करके उसको हम लोग प्लूरल बना देते हैं ठीक है एक जो नाम जो सिंगुलर होता है जब हम उसमें एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल तो इसके भी बहुत अलग अलग स्पेसिफिक रूल्स होते हैं वी विल नॉट गो इनटू डीप डिटेल्स ऑफ दैट क्योंकि अभी हमारे लिए वो रूल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ठीक है वॉट आई कैन डू इज आई कैन शो यू सम्पल्स ठीक है सी देर आर सर्टन सिंगुलर वर्ड्स ठीक है फैन बॉय सिटी मैच नाइफ पोटैटो ग्लास क्विज पियानो ये सारे आपके सिंगुलर वर्ड्स हैं इनका प्लूरल फॉर्म फैन फैंस देखो जब भी वर्ड एंड होता है वाई के साथ में तो हम क्या करते हैं हम उसकी जगह पे आई ई एस लगा देते हैं ठीक है जब भी वर्ड एंड होता है एफ या एफ ई e के साथ में तो हम उनके साथ में वी ई एस लगा देते हैं और कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनके हम बीच के वॉवल को चेंज करके सिंगुलर से प्रूरल बना देते हैं जैसे माउस से बना है माइस लाउस से बनेगा लाइस ठीक है मैन से बनेगा मैन वुमेन से बनेगा वुमेन ठीक है तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कुछ भी सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो ये बेसिक रूल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमें जानना जरूरी है दैट्स आई हैव दिस स्लाइड फॉर यू यू कैन जस्ट नोट इट डाउन एंड सी हाउ यू कैन चेंज अ सिंगुलर नाउन टू अ प्लूरल नाउन ओके द इम्पोर्टेंट थिंग दैट कम्स इन द सेकेंड स्लाइड दिस इज सर्टन नाउन देयर आर ऑल्सो सर्टन नाउन्स लाइक कमांडर इन चीफ सन इन लॉ फादर इन लॉ स्टेप फादर स्टेप डॉटर पोस्टमैन एजेंडम रेटम दिस आर ऑल्सो काइंड ऑफ नाउंस इनको हम कहते हैं कंपाउंड नाउंस ठीक है जब कोई नाउन एक सिंगल वर्ड है तो वो तो नाउन है लेकिन जब एक नाउन जो है एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर के बने तो इन्हें हम कह देते हैं कंपाउंड नाउम्स ठीक है तो अभी तक हम क्या कर रहे थे किसी भी नाउन के एंड में एस या यास लगा करके उसका सिंगुलर से प्लूरल बना रहे थे ठीक है लेकिन कंपाउंड नाउन के साथ हम ऐसा नहीं करते हैं कंपाउंड नाउन के साथ हम क्या करते हैं फिर कंपाउंड के साथ में जो उसका रूट वर्ड होता है उसमें एस एस लगता है एस एस तो लगेगा लेकिन वर्ड के एंड में ना लग करके जो मेन रूट वर्ड है उसके साथ लगेगा देखो कैसे ये देखो कमांडर इन चीफ इसका रूट वर्ड है कमांडर तो हमने लगा दिया कमांडर्स इन चीफ सन इन लॉ इसका रूट वर्ड है सन तो हमने लगा दिया सन इन लॉ ठीक है स्टेप सॉरी ओके स्टेप फादर ये इस इसका रूट वर्ड है फादर तो इसमें हम लोगों ने फादर के साथ लगा दिया स्टेप फादर्स तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया वर्ड में हम एस या एस लगा रहे हैं ठीक है एंड देर आर सर्टन वर्ड्स लाइक एजेंडम डेटम बैक्टीरियम इनके साथ में हम कोई एस सी एस नहीं लगाते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए इनका कुछ अलग ही फॉर्म होता है जैसे एजेंडम सिंगुलर है एजेंडा से प्लूरल है डेइटम सिंगुलर है डेटा प्लूरल है बैक्टीरियम सिंगुलर है प्लूरल होगा बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया वायरस पड़ता है ना ये वही बैक्टीरिया है एक्चुअली बैक्टीरिया सिंगल अलोन एग्जिस्ट नहीं करता वो एक्चुअली कॉलोनीज में एग्जिस्ट करता है

ट्विस्ट एंड ट्रिक्स तब आते हैं जब हमें इनके साथ में वर्ब लगाना होता है ठीक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की अगर हम बात करें किसी भी सेंटेंस में तो देखो सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा हुआ है जानते हैं हम कि सेंटेंस के जो बेसिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट और वर्ब है इनका कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट होता है कि सेंटेंस में जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा ही वर्ब यूज किया जाता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सब्जेक्ट एंड वर्ब शुड गो इन प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन अगर सेंटेंस में यूज होने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यूज होने वाला वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए सेंटेंस में यूज होने वाला वर्ब सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो यूज होने वाला वर्ब भी प्लूरल ही होना चाहिए दिस इज द वेरी फर्स्ट रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ठीक है तो यहां तक तो हमें समझ में आ गया सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा है कब सिंगुलर यूज करेंगे कब प्लूरल यूज करेंगे सिंगुलर के साथ सिंगुलर प्लूरल के साथ प्लूरल हम लगा लेंगे कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हमें सब्जेक्ट में ही कंफ्यूजन हो जाए कुछ बार ऐसे होता है जैसे लेट्स मूव तब हमको अच्छे से क्लियर होगा ये देखो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखते तो सिंगुलर है बट होते वो प्लूरल है दिखने में सिंगुलर होने में प्लूरल है ना कैसे हो गए जैसे फॉर एग्जांपल दिखने में सिंगुलर बट होने में प्लूरल जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कैवलरी कैवलरी मैंने कह दिया कैवलरी कैवेलरी क्या होती है कैवलरी मीन्स घुड़सवारों की सेना राइट right? तो घुड़सवारों की सेना सेना बोल दिया मतलब हम लोगों ने ये सिंगल तो है नहीं दिस इज अ नेम ऑफ ग्रुप दैट मीन ये प्लूरल फॉर्म में है ठीक है लेकिन दिख कैसे रहा है दिख कैसे रहा है विदाउट एस एन द वर्ड लुक्स लाइक इट्स अ सिंगुलर तो दिखने में सिंगुलर होने में प्लूरल तो अब आप लोग मुझे बताइए इसके साथ वर्ब क्या यूज करोगे सिंगुलर की प्लूरल हमने तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में यही कहा है जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब तो ये तो कंफ्यूजन वाली स्थिति है सिंगुलर क्या प्लुरल ठीक है तो यहाँ आपको याद रखना है कि वर्ड दिखने में जैसा भी हो वर्ड दिखने में चाहे जैसा भी हो वो एक्चुअल में जैसा है अकॉर्डिंगली वर्ब वैसा यूज होगा तो ना उनके सूरत पे नहीं जाना है उसकी सीरत पे जाना है है ना हमें सूरत सूरत पे जाने वाले लोग धोखा खा जाते हैं तो सूरत पे नहीं जाना है सीरत पे जाना है सूरत वाइस ये दिखता तो सिंगुलर है बट एक्चुअली में ये प्लूरल है तो इसीलिए जब भी हम इसके साथ वर्ब यूज करेंगे वो हमेशा कैसा यूज करेंगे हम प्लुरल वर्ब यूज करेंगे ठीक है ये बात आई समझ में आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू देखिए एग्जाम्पल्स ठीक है द जेंट्री ऑफ दिस प्लेस आर पुअर नाउ सॉरी आर नाउ पुअर द जेंट्री दिखने में सिंगुलर बट एक्चुअली इट इज प्लूरल द दैनन वर बूमिंग ठीक है द कैटल वर ग्रेजिंग देखो यहाँ पे ये प्लूरल है इसलिए हम लोगों ने लगाया वर दिस डेज पीपल आर मैड आफ्टर रचस

क्या हो सकता है कुछ नाउन दिखने में प्लुरल हो दिखते वो प्लूरल हो उनकी सूरत तो प्लुरल वाली हो लेकिन उनकी सीरत कैसी हो सिंगुलर वाली हो तो अगेन सूरत पे नहीं जाएंगे सीरत पे जाएंगे अगर वो वर्ड अपने आप में सिंगुलर है तो हम उसके साथ सिंगुलर लगाएंगे अगर वो अपने आप में प्लूरल अभी तक जो हमने पिछला साइड देखा उसमें प्लुरल थे इसमें हम लोगों ने प्लुरल लगाया अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल ठीक है मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट और इज मैथमेटिक्स दिखने में देखो एंड में एस सी एस लगा हुआ है एस सी एस लगते के साथ हमें लगता है कि ये प्लूरल है बट एक्चुअली इट इज द नेम ऑफ वन सिंगल सब्जेक्ट सो नेम ऑफ वन सिंगल सब्जेक्ट दैट मीनस इट इज सिंगुलर सिंगुलर के साथ इज लगा हुआ है सिंगुलर वर्ब मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट वैसे ही फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नेम ऑफ वन सिंगल सब्जेक्ट डायबिटीज नेम ऑफ वन सिंगल डिजीज डायबिटीज इज एन इन्फेक्शियस डिजीज द फर्स्ट इनिंग्स

अच्छा कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं मैंने अभी अनकाउंटेबल और काउंटेबल के बारे में बताया अनकाउंटेबल ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते ठीक है तो सिंगुलर एंड प्लूरल का कंसेप्ट तो तभी आया ना जब हम उसको काउंट करें काउंट करके ही तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कोई भी चीज़ एक है या एक से ज्यादा है जिन चीज़ों को हम काउंट कर ही ना सकें उनके लिए एक क्या और एक से ज्यादा क्या उंटेबल so, नाउन्स की बात करें तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो खुद भी सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं और उनके साथ वर्ब भी हमें सिंगुलर ही यूज करना होता है ठीक है इसमें सूरज सीरत वाली बात सेम ही हो जाती है जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए पावजी मस्ट बी राड के जी पावजी वी के नॉट क्या से इट इज सिंगुलर और प्लूरल क्योंकि हम ये अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल अच्छा पावर्टी सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है पावरटीज नहीं होगा क्रॉकरी सोल्ड एट द शॉप इज चीप क्रॉकरी अगेन अनकाउंटेबल नाउन स्टेशनरी अनकाउंटेबल नाउन सीनरी सीनरी को सीनरीज नहीं लिखेंगे सीनरी अपने आप में भी सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा एज सीनरी एंड इसके साथ जब भी वर्ब यूज करेंगे तो उसको भी हम लोग सिंगुलर ही यूज करेंगे ठीक है फर्नीचर फर्नीचर सेट्स ऑफ द ब्यूटी ऑफ अ हाउस फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन इट इज टेकन एज सिंगुलर एन फॉर्म फर्नीचर्स नहीं बोलेंगे इनके साथ प्लूरल बनाने के लिए और एस की जरूरत नहीं है ये इसी फॉर्म में यूज होंगे और जब हम इनके साथ वर्ब यूज करेंगे तो हमेशा कैसा यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे आई बात समझ में आई होप दिस इज क्लियर टू यू नेक्स्ट कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो सिंगुलर एंड फ्लूरल दोनों फॉर्म में सेम यूज होते हैं ठीक है उनका कोई एस और ई एस फॉर्म नहीं होता है सिंगुलर एक होते हैं तब पर भी वैसे होते हैं एक से ज्यादा होते हैं तब पर भी वैसे होते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है ऐसे कंडीशन में हमें सेंटेंस को देखना है सेंटेंस में अगर एक सिंगल एंटिटी की बात हो रही है तो हम वर्ब सिंगल सिंगुलर लगाएंगे लेकिन अगर एक से ज्यादा की बात हो रही है तो हम प्लुरल लगाएंगे फॉर एग्जाम्पल ये देखो देर आर फाइव डियर इन द जू अच्छा आर लिखा हुआ है क्योंकि फाइव है डियर एज इन सिंगुलर फॉर्म डियर ही कहलाता है एक डियर होगा तो भी डियर होगा एक से ज्यादा होंगे तो भी डियर ही कहलाएंगे लाइकवाइज शिप ठीक है सॉरी शीप शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड पे एक की बात हो रही है तो हम लोगों ने सिंगुलर लगा लिया अमित बॉट टेन शीप तो टेन यानी कि मोर देन वन प्लूरल फॉर्म तो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम यूज होते हैं ओके मूविंग ऑन टू नेक्स्ट अब कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं और इनके साथ वर्ब भी फिर हमें प्लूरल ही यूज करना होता है ठीक है ये कैसे नाउन होते हैं जनरली वो सारे नाउन वो सारी चीजें जो पेयर में अवेलेबल होती हैं उनको हम मैक्सिमम टाइम प्लुरल फॉर्म में ही लिखते हैं प्लस वर्ब भी उनके साथ प्लूरल ही यूज होता है लाइक सीधी एग्जाम्पल्स य

ओके दिस इज क्लियर तो ये सिंगुलर एंड प्लूरल का कंसेप्ट हुआ नाउन में नंबर के बारे में देखना है सिंगल एक एक सिंगल है तो आपको तो कोई दिक्कत है नहीं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेंटेंसेस में और मैक्सिमम टाइम जो एरर करेक्शन वाले सेंटेंसेज होते हैं वो ज़्यादातर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के एरर में ही फंस जाता है ठीक है तो यू कैन डेडिकेट कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वी टॉक अबाउट नाउन जेंडर हिंदी में इन्हें हम कहते हैं लिंग हिंदी ग्रामर में भी नाउन में जेंडर की बात करते हैं लिंग लिंग पढ़ा है आप लोगों ने ठीक है तो चाहे हिंदी ग्रामर हो इंग्लिश ग्रामर हो बोता वन एंड द सेम थिंग ठीक है जेंडर की अगर हम बात करें सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर आर देयर ठीक है सो बेसिकली देर आर फोर जेंडर्स ठीक है क्या क्या मैस्कुलाइन फेमेनाइन लेट मी सी साइड यू विल बी एबल टू विजिबल मैस्क्यूलाइन फेमेनाइन कॉमन न्यूटर ठीक है मैस्कुलाइन जेंडर हिंदी में हम कह देते हैं पुल्लिंग पुलिंग जेंडर स्त्रीलिंग कॉमन जेंडर उभयलिंग न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग ठीक है यही चारों जेंडर होते हैं क्या क्या होते हैं अगर हम मेस्क्यूलाइन जेंडर की बात करें तो व्हाट इज मैस्कुलाइन जेंडर द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर ठीक है संज्ञा के जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता हो उन्हें हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं सेम थिंग ठीक है देन जेंडर संज्ञा के जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है ठीक है द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल जेंडर ये वही सारी चीजें हैं कुछ भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं होता है ठीक है जेंडर ठीक है जब हमें किसी भी वर्ड को देखते से ये नहीं डिसाइड हो पाता है कि ये जेंडर है या जेंडर है या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अ वर्ड यूज कॉमनली फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर ट्रीटेड एज कॉमन जेंडर ठीक है लाइक बेबी टीचर सबके साथ उनके एग्जाम्पल्स लिखा है आप उसको देख सकते हैं देन न्यूट्राजेंडर जेंडर ऑल दी नॉन लिविंग थिंग्स प्लस प्लांस एंड एनिमल्स जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं थिंग्स होते हैं प्लस प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर ट्रीटेड एज न्यूट्र जेंडर ठीक है ये सारे नाउन में जेंडर की बात होगी अच्छा नाउन में जेंडर तभी तब तक हमें तकलीफ नहीं देता है जब तक हम नाउन की बात कर रहे होते हैं क्योंकि नाउन की अगर हम बात करें तो वहां पर फिर हमारे लिए देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया फादर ठीक है तो फादर अगर हम नाम सुने तो इमेजिन करते के साथ में हमें फादर एक मेल पर्सन ही इमेजिन होगा अपने फादर हो फ्रेंड के फादर हो पार्टनर के फादर हो ठीक है हम एक मेल इमेज डिजाइन कर पाते हैं अपने दिमाग में ठीक है लेकिन जब हम फर्स्ते कब है पता है हम फर्स्ते हैं जब हमें इनके रेस्पेक्टिव प्रोनाउन यूज करना हो हालांकि हम प्रोनाउन में दोबारा से इस चीज को पढ़ेंगे बट लेट मी टेल यू हियर इट कि जेंडर में जैसे अगर हम लोगों ने मैस्कुलाइन जेंडर की बात करी तो मैस्कुलाइन जेंडर के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या हो सकता है मैस्कुलाइन जेंडर के लिए प्रोनाउन जो है वो ही या हेम या हेज ये यूज किया जाता है फेमेनाइन जेंडर की बात करें तो फेमनाइन जेंडर में हम यूज करते हैं शी या फिर हर कॉमन जेंडर कॉमन जेंडर की बात करते हैं बाद में अभी न्यूट्रल जेंडर देख लें न्यूट्रल जेंडर में हम यूज करते हैं इट अब बात आई कॉमन जेंडर की तो अब बताओ क्या यूज करना चाहिए कॉमन जेंडर में कॉमन जेंडर में क्या यूज करना चाहिए मस्कुलाइन या फेमेनाइन ही यूज करें कि शी यूज करें ठीक है तो देखो रूल ये कहता है ग्रामर ये कहता है कि जब भी कभी कोई कॉमन जेंडर का वर्ड यूज हो रहा हो और उसका कोई ये स्पेसिफिकली नहीं बता चल पाए कि वो किसी मेल की बात कर रहा है या फीमेल की बात कर रहा है समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हो आई रिपीट जब भी कोई कॉमन जेंडर का शब्द यूज हो रहा है और ये नहीं क्लियर हो रहा है कि वो मेल सेक्स को डिनोट कर रहा है या फीमेल सेक्स को डिनोट कर रहा है तो उस कंडीशन में जब हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो प्रेफरेंस इज ऑलवेज गिवन टू मैस्कोलाइन जेंडर प्रेफरेंस की बात कर रहे हो प्रेफरेंस इज ऑलवेज गिवन टू मैस्कुलाइन जेंडर ठीक है तो यहाँ पे प्रोनाउन की बात करें तो वैसे ही अगर कहीं पर दिख रहा है कि वो किसी फीमेल जेंडर की बात कर रहा है देन यू कैन यूज अ फेमिनिन जेंडर प्रोनाउन इट्स ओके ओके ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ये देखिए ये कुछ वर्ड्स हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर का नेफ्यू का हो जाता है नीस नेफ्यू Nephew. Niece. Horse. mare. Dog. Witch. Actor. Actress. Lion. Lioness. Drake. Duck. He kangaroo. She kangaroo. Waiter. Waitress. हंट हंट्रेस ये सारे एंड फेमेनाइन जेंडर है ये सब आप लोगों को ऑलरेडी पता होते हैं आप लोग बहुत बार यूज करते ही हैं इट्स जस्ट फॉर योर रिविजन पर्पज ये साइड मैंने रखा हुआ है यू कैन सी एंड यू कैन नोट इट डाउन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज नहीं करते हैं यू कैन नोट इट डाउन फ्रॉम हियर एग्जाम्स में ये पूछा जाता है अभी रिसेंटली जो आ, लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ उसमें पूछा था का फेमेनाइन जेंडर क्या होता है नन आंसर है उसका तो इस तरीके से आपको एग्जाम्स में यह भी पूछ लेता है कि मैस्कुलाइन जेंडर ये है तो फेमेनाइन कौन सा होगा फेमेनाइन ये है तो मैस्कुलाइन कौन सा होगा ठीक है तो ये इसका आपको तैयारी रखनी चाहिए देखना चाहिए ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड ठीक है यहां देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया गया है इंपॉर्टेंट हियर द नाउ सच एज सन डेथ विंटर, समर ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो अपने साथ क्या लेकर के चलते हैं जेंडर लेके चलते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल डेथ कीप्स हिज ओन कैलेंडर सन शॉट हिज ब्राइट रेज ठीक है आप यहाँ पे देखो हिज हिज यूज हुआ है एंड सर्टेन नाउन्स जैसे मून और नेचर ह्यूमलिटी इन सबको हम फेमेनाइनजेंडर ट्रीट करते हैं एंड देखो द मून शेड हर लाइट ऑन द बैंक द शेप फॉर हर वे थ्रू द स्टोमी वे अब मेरा क्वेश्चन माई क्वेश्चन टू यू इज वेन सबसे पहली चीज तो कब कब हम किसी भी ऐसे को मैस्कुलाइन या फेमे जेंडर पे रख रहे हैं एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग जैसे रख रहे हैं कब ठीक है अब ये तो अगर आपने आंसर किया कि ये कर रहे हैं ऐसा कंडीशन पे तो अब जब हमको ये बनाना है कि नॉन लिविंग को लिविंग थिंग बनाना है तो दो ही कंडीशन हो सकती है या तो मेस्क्यूलाइन या तो फेमेनाइन तो so, कब किसको मैस्कुलिन कब किसको फेमिनिन ये कैसे डिसाइड होगा आपको समझ आ रहा है मेरे दोनों क्वेश्चंस ठीक है तो कमेंट करके आंसर आप भी बताएंगे अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे समझ जाइए यहाँ से कि जब भी हम कभी किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग बनाना है तो कब बनाना है जब जैसे जब हमें उनके किसी काम के बारे में बताना हो जब हमें उनके डिस्क्रिप्शन को देना हो तब हम ऐसा नहीं यूज करते तब हम उसको एज अ न्यूट्रोजेंडर ही ट्रीट करते हैं लेट मी शो यू सम देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू देखो यहां देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल सन जैसे मैं बोलू द सन इज सन इज लार्जेस्ट स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम ठीक है ये तो हो गया फर्स्ट इट एम लाइट फिर हम क्या दें इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ तो देखो ऐसे जब हम लिख रहे हैं तो हम generally it, it का यूज कर रहे हैं। हमरलीस जेंडर बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन एक्शन शॉट हिज ब्राइट रेस काम कर रहा है ठीक है कोई भी नॉन लिविंग थिंग कभी भी काम नहीं कर सकता हमें जब उनके काम को बताना होता है तो हम उसे लिविंग बिंग की तरह ट्रीट करना पड़ता है और जब हमने लिविंग बिंग ट्रीट किया तो दो कंडीशन या फेमनाइन ठीक है तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया होगा कब हम किसको ट्रीट कर रहे हैं नॉन लिविंग की तरह जब हमें उसके किसी काम को बताना हो पहला क्वेश्चन दूसरा जब हम काम को बात कर रहे हैं वो ही डिसाइड करेगा कि कौन सा जेंडर हम यूज कर रहे हैं ठीक है हम ऐसे काम की बात करें या ऐसी चीजों की बात करें जो देखो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेंथ फर्मनेस एनर्जी डिस्ट्रैक्शन प्राइड ऑनर इन सब की बात कर रहे हैं तो ये एक मेस्क्यूलाइन फीचर्स को डिपेक्ट करता है तो इस जगह पे जब भी हम कोई नाउन uh, यूज करेंगे उसको मेस्क्यूलाइन जेंडर ट्रीट करेंगे एंड ऑल दोज नाउन दैट आर यूज टू एक्सप्रेस ब्यूटी ग्रेसफुलनेस जेंटलनेस सॉफ्टनेस काइंडस ठीक है ये सारे के सारे चीज डिपिक करने वाले जो फेमिनाइन फीचर्स हैं इनको हम रखते हैं फेमेनाइन जेंडर में इन्हें हम ट्रीट करते हैं फेमेनाइन जेंडर में ठीक है तो ये तो हो गया आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस इस प्रोसेस ये जो हम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के जैसा ट्रीट कर रहे हैं इस पूरी प्रोसेस का नाम रहता है परसोनिफिकेशन इसे ही हम कहते हैं परसोनिफिकेशन या मानवीकरण परसोनिफिकेशन या मानवीकरण किसी अमानवीय चीज को मानवीय रूप देना ठीक है अमानवीय चीज को मानवीय रूप देना मानवीकरण या परसोनिफिकेशन कहलाता है ठीक है और ये जो तीसरा रूल है ये वही जो अभी मैंने आप लोगों को बताया इफ नाउंस ऑफ कॉमन जेंडर आई यूज टू डिनोट एनी क्लास ऑफ कैटेगरी जेंडर इज प्रेफर्ड विद लाइक नी स्टूडेंट कम ह्यम टू वेट फॉर मी डॉक्टर परफॉर्म्स हेज ड्यूटी सेंसियरली ठीक है तो यहां पर हम लोग मेस्क्यूलाइंजेंडर को प्रेफर देते हैं प्रेफरेंस देते हैं ठीक है ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट वी टॉक अबाउट केसेस केसेस ऑफ नाउ ठीक है यहां पर देख लीजिए थ्री केसेस होते हैं नॉमिनेटिव केस एक्टिव केस एंड पोजेसिव केस नॉमिनेटिव केस क्या होता है अनाउन अ प्रोनाउन दैट फंक्शन वर्ब इसी को ही हम नॉमिनेटिव केस को ही हम एक और नाम से जानते हैं इसे ही हम कह देते हैं सब्जेक्टिव केस एंड एक्टिव केस इसी को ही हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कह देते हैं ऑब्जेक्टिव केस देन ठीक है सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करे तो वो कहलाता है सब्जेक्टिव केस में जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का, का काम करे तो वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव केस में ये वही बता रहा है ठीक है केस केस का मतलब क्या हो गया हिंदी ग्रामर में हम केस भी पढ़ते हैं कारक के रूप में ठीक है तो कारक जो होता है वही इंग्लिश ग्रामर में केस कहलाता है तो जितने कारक हिंदी में होते हैं वैसे इंग्लिश में भी होते हैं बट तीन जो होते हैं वो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं और इस पे ही ज्यादातर क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं ठीक है सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस तो दोनों क्लियर हुआ क्या बोला मैंने आई रिपीटेड ठीक है जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का, का काम करेगा तो वो कहलाएगा सब्जेक्टिव केस में यही नाउन या प्रोनाउन जब किसी ऑब्जेक्ट का, का काम करने लगे सेंटेंस में तो वो कहलाएगा ऑब्जेक्टिव केस में ठीक है पोजेसिव केस का क्या है पोजेसिव केस जो होता है पोजेशन बताने के लिए यूज होता है पोजेशन का मतलब होता है अधिकार ठीक है तो ये जनरली हम यूज करते हैं जब कभी हम लोग किसी नाउन का पोजेशन नाउन के साथ बताते बनाना होता है एक नाउन का पोजेशन दूसरे नाउन के साथ में बताना होता है ठीक है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं जो पहले वाला नाउन है जिसके साथ पोजेशन बनाना है एक अपोस्ट्रॉफ जोड़ते हैं और बगल में लगा देते हैं एस, तो यूज़ विद दी केस, नाउन्स नाउन नाउन ठीक है फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बैग है कोई सा भी बैग है ठीक है नाउन है बैग इज कॉमन नाउन ठीक है अब कोई लड़की है जिसका नाम है अनीता ये भी प्रॉपर नाउ नाम है किसी का अब हमें बताना है कि ये जो बैग है वो अनीता का है अनीता का बैग ठीक है तो हमें बताना है हमें अधिकार बताना है तो अनीता का बैग बोलने के लिए हम क्या करेंगे अनिताज बैग हम इस तरीके से यूज करेंगे अनिताज बैग अनीता के साथ लगाए एस लगाए और बना दिया हमने अनिताज बैग दिस इज पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन ठीक है अब इसमें ध्यान क्या रखना है इसमें ध्यान ये रखना है कि ये वाला जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना एपोस्ट्रॉफ पोस्ट्रॉफ ये हम केवल और केवल लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में नहीं करते हैं ठीक है पोजेसिव केस या अपोस्ट्रॉफ का यूज हम लोग लिविंग बींग्स के साथ करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में नहीं करते तो क्या हम उनका कोई संबंध नहीं बताते क्या हमें जब उनका कोई पोजेशन बताना हो तो क्या किया जाए तब हम प्रपोजिशन का यूज करते हैं ऑफ प्रपोजिशन का तब हम ऑफ प्रपोजिशन का यूज करते हैं जब हमें किसी नॉन लिविंग थिंग का पोजेशन बताना होता है लिविंग बींग्स का पोजेशन बताने के लिए नाउन के साथ में हम अपोस्ट्रॉफ का यूज करते हैं वर्ड जहां कहीं एंड हो उसके बाद में अपोस्ट्रॉफ लगाते हैं और एस लगा देते हैं तो और उसके बाद में नाउन हो जाता है तो देखो नाउन से नाउन वाली कंडीशन आनी चाहिए ठीक है नाउन नाउन वाली कंडीशन आनी चाहिए ओके okay. सो so, Let's move forward. We have certain exercises. अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा उसको इंप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है तो कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करके देखते हैं क्या हमने जो पढ़ा वो हम इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं ठीक है देखिए पहला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हैं इनके एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म को आपको उसमें भरना है देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन डैश इज नेक्स्ट टू डैश ऑप्शन हैं क्लीन एंड गॉड तो क्लीन से बन जाएगा क्लीनलीनेस क्लीन clean से बनेगा क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉड गॉड से बनेगा गॉडलीनेस ठीक है ये मोस्ट कॉमन प्रोवर्ब भी है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस Then, dash is better than dash. पे दो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन है वाइस एंड स्ट्रॉन्ग तो वाइस से बन जाएगा विजडम एंड स्ट्रॉन्ग से बन जाएगा स्ट्रेंथ ओके देन गुड़िया गॉट हर मदर्स डैश टू गो टू दिनेमा ऑप्शन है परमिट तो परमिट से बनेगा परमिशन Then the dash of purse was reported to the teacher. Lose. Lose se banega? Loss. Then the dash is better than cure. Option a prevent. Prevent se ban Prevention. Prevention is better than cure. Then second, fill in the blanks with the words given in bracket. ठीक है अब यहाँ पे दो ऑप्शन हैं उनमें से कोई एक चूज करके लिखना है द अर्थ क्वेक इज नेचुरल ठीक है अब देखो ये अर्थ क्वेक की बात कर रहे हैं एक सिंगल इवेंट है सिंगुलर फॉर्म तो सिंगुलर हो जाएगा फिनॉमिनन ठीक है ये होगा इसका आंसर फिनॉमिनन ऑल द डैश इज रॉन्ग ठीक है अब यहाँ पे देखो ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन तो देखो इन्फॉर्मेशन कैसा नाउन है इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है वी कैन नॉट काउंट द इनफॉर्मेशन तो इसीलिए हम इनको खुद भी सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे और इनके साथ वर्ब तो ऑलरेडी सिंगुलर यूज हुआ है ठीक है फाइव डैश एग्स आर टू बी ब्रॉट ठीक है डे सिंगुलर फाइव डैश ऑफ इवेंट टाउन नीचर डैश रिपेयरिंग अब देखो फर्नीचर कैसा नाउन है फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है जब हम अनकाउंटेबल नाउन की बात किए थे तो अनकाउंटेबल नाउन खुद भी सिंगुलर फॉर्म में यूज हुए थे और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाना है तो नीड need और नीड्स इसमें सिंगुलर कौन सा है नीड्स ठीक है तो हिज फर्नीचर नीड्स रिपेयरिंग ओके आई होप ये वाला आपसे एक्सरसाइज बन गया होगा ठीक है मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ये एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं अपन ठीक है अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करना है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एरर करेक्शन है करेक्ट करना है आपको अब यहां पे देखो क्या है दे लेफ्ट आर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन ठीक है एरर कहाँ है लगेजेस नहीं होता है लगेज होता है लगेज वी कैन नॉट काउंट इट काउंटेड एन अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन खुद भी सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे एंड इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे ठीक है सचिन तेंदुलकर स्कोर मोर देन टेन थाउजेंड रन टेन थाउजेंड नहीं होगा सिंगुलर होगा टेन थाउजेंड ठीक है अब यहाँ पे देखो ये टेन थाउजेंड है ना इस सेंटेंस में ये टेन थाउजेंड एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है ठीक है तो सचिन तेंदुलकर स्कोर मोर क्या बोलते हैं कि रन ना सचिन तेंदुलकर ने रन स्कोर किए हैं कितने स्कोर किए हैं मोर देन टेन थाउजेंड तो यहाँ पे ये यह जो टेन थाउजेंड है ना ये नाउन नहीं है ये एडजेक्टिव है जो इस रन को क्वालिफाई कर रहा है और ये बता रहा है कि वो कितना है समझ में आ रहा है तो ये जो ई एस लगा करके सिंगुलर एंड फ्लूरल की बात कर रहे हैं हम हम नाउन के लिए कर रहे हैं क्योंकि नाउन को हम काउंट कर पा रहे हैं एक है या एक से ज्यादा है अब जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं एडजेक्टिव तो विशेषता बताता है ना क्वालिटी है वो तो क्वालिटी एक या एक से ज्यादा नहीं होगी क्वालिटीज़ के रूप में हम लोग सिंगुलर एंड प्लूरल की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं नाउन के रिस्पेक्ट में द रीजन वाई ये जो टेन थाउजेंड है ये इस सेंटेंस में एडजेक्टिव का, का काम कर रहा है इसीलिए उसे हम सिंगुलर फॉर्म में ही रखेंगे उसको हम प्लूरल नहीं बनाएंगे ठीक है देन माय ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विथ देखो यहाँ पे कंपाउंड नाउन है जिसका सिंगुलर uh, से प्लूरल बनाने के लिए हम उनके रूट वर्ड के साथ में ऐसी लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ द टीम मेम्बर्स शुड लिसन टू द एडवाइसेस गिवन बाय द कैप्टन एंड मैनेजर एडवाइसिस एडवाइस इज एन अनकाउंटेबल नाउन एंड हैंस इट शुड बी यूज इन सिंगुलर फॉर्म a student should not blindly accept everything it finds in a book it is a neuter gender pronoun but student is a common gender pronoun so we have to use he with it masculine gender preference the climate of ranchi is better than patna ab dekho yahan pe kya ho raha hai yahan pe thoda sa alag sa concept hai हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे देखो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं किसके किसके कंपैरिजन हम ये बोल रहे हैं रांची के क्लाइमेट और यहाँ पे बोल रहे हैं तो जो रांची का क्लाइमेट है वो पटना से बेहतर है क्या ऐसा ही है हम क्या बोल रहे हैं रांची का क्लाइमेट पटना से बेटर है हम रांची के क्लाइमेट को पटना से कंपेयर कर रहे हैं हम रांची के क्लाइमेट को पटना के क्लाइमेट से कंपेयर कर रहे हैं समझ में आ रहा है वी आर कंपेयरिंग द क्लाइमेट ऑफ बोथ द सिटीज तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं द क्लाइमेट ऑफ रांची इसको देखो सुधारने के दो तरीके हो सकते हैं एक तो हो सकता है द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर दैन द क्लाइमेट ऑफ पटना लिख लीजिए यहाँ पे ठीक है द क्लाइमेट ऑफ पटना या अगर आप क्लाइमेट ऑफ पटना को क्लाइमेट ऑफ को रिपीट नहीं करना चाहते हैं तो इट कैन बी करेक्टेड इन अनदर टाइप द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर ठीक है यहाँ तो यहाँ पे देन दैट ऑफ ऐसे ऐड कर लीजिए या yeah, तो फिर द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन यहाँ पे ऐड कर लीजिए द क्लाइमेट ऑफ पटना I hope this is clear to you. Your state is rich, but my is poor. अब यहाँ पे भी comparison हो रही है Your state possessive case. तो यहाँ पे possessive case of pronoun use होना चाहिए My ना use होकर के क्या होना चाहिए Mine. A week holiday is not sufficient for the children. ठीक है अब यहाँ पे week holiday नहीं होकर के apostrophe लगेगा weeks holiday. ठीक है I know, I know, I know. ठीक है नो आपके दिमाग में आ रहा होगा मैडम अभी आपने बोला था कि हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में पोस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं फिर आपने खुद क्यों लगा लिया नो दिस इज अ फ्रेज आंसर टू दिस इज दिस इज अ फ्रेज phrase. फ्रेजेस के साथ हम कोई छिड़खानी नहीं करते हैं फ्रेजेस आर टू दिस कि हम जो भी बेसिक रूल्स लगाते हैं फ्रेजेस के साथ में वो रूल्स जनरली काम नहीं आते हैं ठीक है तो ये एक फ्रेज है अ एक पुरा का पुरा एक पूरा पूरा का फ्रेज है इसलिए इस फ्रेज के साथ का यूज किया जाता है राइट देन द देन स्कैप वॉज लॉर्ड अब यहाँ पे हो गया पेन क्योंकि नॉन लिविंग थिंग तो पेन स्कैप ना बोल करके क्या बोलेंगे द कैप ऑफ द पेन क्या बोल देंगे हम दी कैप ऑफ द कैप ऑफ दॉन दिक्स आर नॉट प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर इन हॉस्पिटल्स ठीक है अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एक और कंसेप्ट ठीक है ऐसा तो देखा जाए सिख सिख क्या है सिख है क्या एक एड्जेक्टिव सिख हेल्दी ये सारे एड्जेक्टिव है ठीक है एडजेक्टिव है तो हम एड्जेक्टिव के साथ में तो वैसे आर्टिकल लगाते ही नहीं है ठीक अब हम क्या कर रहे हैं एडजेक्टिव के साथ जब कभी हमने आर्टिकल द लगाया कंसेप्ट से किसी भी एडजेक्टिव के साथ जब हम लगाए द तो दा सिक मींस जैसे हमने लगाया दा सिक या हमने कह दिया पुअर अब हमने इसके सामने लगा दिया द पुअर तो दा सिक या पुअर दैट मीन्स ऑल दो पीपल हु आर सिक कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द सिख एक तरीके से कम्युनिटी बन गई ठीक है तो द आर्टिकल का यूज करके किसी भी एडजेक्टिव को किसी भी नाउन की तरह यूज किया जाता है ठीक है तो ये क्या हो गया जैसे ही हमने इस एडजेक्टिव के साथ द लगाया ये पूरा का पूरा एक बन गया नाउन द सिक मीन्स ऑल दो पीपल हु आर सिख कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द सिख ठीक है फिर आ गया द पुअर वैसे ही ऑल दो पीपल हु आर पुअर पुअर कम अंडर द द कैटेगरी ऑफ तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है ठीक है एक तो ये वाली बात समझ में आई कि एडजेक्टिव के साथ द आर्टिकल लगा करके हम उसको नाउन बना रहे हैं नंबर वन नंबर टू द सिख बोलते के साथ में वो अपने आप में ये इंक्लूड कर रहा है ऑल दो पीपल हु आर सिख तो ये अपने आप में एक प्लूरल नाउन ही बना तो इसे और प्लूरल बनाने के लिए हमें किसी एस या यास की जरूरत नहीं है द सिक अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है और इसके साथ जब हम वर्ब यूज करेंगे तो हम प्लूरल ही यूज करेंगे आई होप ये वाली चीज क्लियर है तो यहाँ पे एरर है दिक्कस आर नॉट प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर इन हॉस्पिटल्स इसके लिए हो जाएगा सिक एस हट जाएगा द सिक आर नॉट प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर इन हॉस्पिटल्स आई होप दिस इज क्लियर टू यू और इन दोनों एक्सरसाइजेस के बाद आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है कैसे नाउन लगाने हैं उसके लिए एरर्स कैसे होंगे ठीक ठीक है तो देखिए अब हम क्या करेंगे अब मैं दूंगी आप लोगों को एक होमवर्क होमवर्क एक्सरसाइज ये ठीक है एग्जाम में आपको इसी तरीके से दिखता है एग्जाम में एक सेंटेंस को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बताता है और पूछता है कि इनमें से किस पार्ट में एरर है ठीक है तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क एक्सरसाइज रहेगी ठीक है आप लोग इनको सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे सारे आंसर्स बताएंगे आई रीच आउट टू यू एंड इफ एनी डाउट इज देयर इफ एनी कंफ्यूजन इज देयर आई एल गिव यू दी आंसर ओवर देयर ठीक है और इनको सॉल्व करने के लिए उन्हीं रूल्स का फॉलो करेंगे जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है ठीक है आई होप इतनी अंडरस्टैंडिंग अभी तक बन चुकी है कि आप लोग इसको सॉल्व करने में प्रिटी कंफर्टेबल रहेंगे So, with this, we end today's lecture. In the upcoming lecture, we'll be coming up with some other part of speech. Till then, stay tuned to us every Tuesday at 3 pm. Stay tuned for more lectures like this. Thank you. Thank you so much.